30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192। अगला आदमी का नोटिस भी लेके नहीं आया, अगला आदमी का ये भी नहीं लेके, ठीक है, सर्वे है, सर्वेयर है, ये आके बोलता है कि हम ये जमीन में करने के लिए अगल बगल वालों को नोटिस देना मेरे को जरूरी नहीं है। रोक दिया खत्म, ऑब्जेक्शन कर रहा है, बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत बात करने के बाद ऑब्जेक्शन रोका, बहुत बात करने के बाद ऑब्जेक्शन किया। पीछे का जमीन में करने से आपको बगल वाला जमीन को, बगल वाला जमीन को आपको नोटिस सर्व करना है, ये रूल बताता है आपको, ये रूल है। साइड प्लॉट होल्डर नहीं है इधर, क्यों नहीं है साइड प्लॉट होल्डर? ये पूरा मेरा घर पीछे तक है। कमला देवी कौन है? कमला देवी नाम तो कोई नहीं है। आप पहले भी ये लोग फॉल्स किया, छोटे मुन्नी है, पहले भी फॉल्स किया, आगे भी फॉल्स किया, बस खत्म हो गया। रिजवाना बीबी का पीछे, रिजवाना बीबी का, रिजवाना बीबी से तो पीछे भी देना, साइड भी देना, सामने भी देना है। जहाँ जहाँ तेरा जमीन में कोई टैक्सी होता लाइन में उसको टैक्स देना, ये रूल है, ये रूल बताता है कि तुमको अगल बगल देना है। नमस्कार, मैं रोहित, इस वक्त हमें साउथ पॉइंट के यहाँ पर, और आइए हम, हमारे साथ है विश्व मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सर जी, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं, इन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। नमस्कार सारे व्यूवर्स को, देखिए मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ, आज कुछ लोग जो हैं जो तहसीलदार ऑफिस से सर्वे करने के लिए, उसमें सर्वेयर है हमजा वल्क और साथ में 2-3 स्टाफ को लेकर, आप देख सकते हैं ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। तो उनको ये बताया, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग डिमार्केशन करने के लिए, हम लोगों को नोटिस नहीं दिया, ये लोग पहले भी एक बार ऐसी चुप चुप से आगे डिमार्केशन करने के लिए घुसा, वो टाइम भी इनको ऊपर ऑब्जेक्शन किया, वो टाइम भी ऑब्जेक्शन किया, आज फिर लोग चुप से आगे, घर में कोई नहीं है, चुप से आगे ऑब्जेक्शन सर्वे करने के लिए, डिमार्केशन करने के लिए घर में घुसा। तो अचानक भाई लग, आज हम घर में प्रेजेंट था, प्रेजेंट रहने के बावजूद हम उसके पास भी जाकर जब उनको ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप बिना नोटिस दिए हम लोग को आप कैसा डिमार्केशन कर, जबकि हमारा घर को वो डैमेज किया लो, ये लोग हमारा घर का सेटबैक नहीं छोड़ के हमारा घर के साथ में अटैच करके घर बनाया, पूरा मट्टी डस रहा है, हम लोग का सेफ्टी टैंक और पानी का टैंक जो है डस रहा है। उनको बोलने के बाद में भी डेढ़ साल से ऊपर हो गया, इनको पर मैं ऑब्जेक्शन डाला है, लोग अब ना तो पीछे लोग ना काम कर रहा है, ना रिटर्निंग वाल खड़ा कर रहा है, आपको मैं भी पूरा पीछे का डिटेल पूरा दिखाएगा, हमारे घर का पीछे का क्या कंडीशन है, पूरा मट्टी डस रहा है। जब उनको बोला कि ये काम करो, बोल से ये काम नहीं करे, इनको अपना घर बनाना है, अपना प्रॉपर्टी देखना है, ये करना है म्युनिसिपल, ये गलत बात है, ये गलत बात, वो म्युनिसिपल को चढ़ा है तो म्युनिसिपल 10 साल के बाद में करेगा, म्युनिसिपल नहीं करेगा, म्युनिसिपल का बात छोड़ो, अपने को करना है। चलिए हम आपको आगे का जो है पीछे का आपको सीन दिखाने के बाद में करेंगे। अभी जो है डीसी ऑफिस से टीम आई थी, तो आप क्या डीसी ऑफिस, हाँ तो इसका उसमें कोई नोटिस नहीं है, इनका कुछ वो नहीं था, ठीक है। मेरा नाम अरशाद अली, सुनो वहाँ वो जो दीवार के लिए ना प्रपोजल होता, तो उसके लिए पूरा अभी जमीन का ना देखना है, सुनिए जमीन जमीन का कहाँ से कितना है, कैसा है, उसके लिए प्लान वो देना, तो म्यूनसिपल में वो करा के वो कराना है, ठीक है। तो ये साइड से ये मट्टी स्लाइड होता है, वो पीछे भी मट्टी स्लाइड होता है, तो दोनों तरफ का वाल का सेलम सर को दिया है, सेलम सर म्युनिसिपल में चढ़ाया, वो हमको बोला पूरा जमीन का जो है नाप के डिमार्केशन, सुना दो साल नहीं बेकार का झूठ बात, अभी अभी ये पिछला महीना 15 दिन पहले इसका सामने लेके आया, अगर उसका रात को हम लोग घर में नहीं रहने से घर में आके गड्ढा खोद के पातू मार मार के जमीन जाके देख लो, जमीन जाके देख लो कैसा जमीन है, कैसा 2010 में बनाया, उत्तम में कोई जमीन धस नहीं था, 2018 में इन लोग सुने इन लोग वाल बनाया ना, ये घर वाला वाल बनाया तो विंग्स नहीं छोड़ा था, वो विंग्स की वजह से वो पानी दोनों साइड का पानी जाता, वो पानी से वो मट्टी कटता, ठीक है। फिर भी हम बोला ठीक है, चलो हम लोग क्या करा, टीन उन कैसी हो करके रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं करा, सुनिए वो टीन देखो, टीन सड़ के जाते हैं, झूठ बात कर रहा है, और उधर ही में इस लोग कचरा फेंक रहा है, ठीक है, कचरा आज जाके देखिए पीछे हम लोग का पानी टैंक, तो आइए हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर आज सी ऑफिस की टीम आज आई थी, हम आपको दिखाएंगे, प्रसाद दिया जाएगा पानी टैंक जो है हम लोग का कट गया, हम लोग का जो पीछे शेड बना के रखा, शेड ढसने वाला है, चलिए आपको दिखाता, आइए आइए, पेड़ तक हम लोग का जमीन है, वो पेड़ तक
सर्वे में हम लोग आया डिमार्केशन में, ऊपर तक में वो अंदर घुस के मट्टी मार मार के हम लोग को उठा नहीं है, गोड़ वाल के वाल उठाया, वाल नहीं है, ये देखो पूरा देखे पूरा, अभी जमीन हम लोग ऐसा रखे क्रॉस करके अंदर मट्टी मार के अब देखो पूरा खंबा दीवार सब गिरा दिए, ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग कर लो, पहले रिकॉर्ड अच्छे से रिकॉर्ड करो, सब देखो तो बाद में देखा जाएगा। देखो आप देखो सेटबैक नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं, आइए बैठ गया था, बैठ के फट के जाता है, बिल्कुल लाइन से दिखाई देता है, ये सेफ्टी टैंक का बॉक्स है, ये सेफ्टी टैंक का बॉक्स है, देखिए ये देखिए ये पूरा डस्ट है, इसके अंदर में सांप, यहाँ से सांप पकड़ के लेके जाना पड़ता है, सांप बैठ रहा है इसके अंदर, तो आइए इस घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे और उनसे हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारे जो बगल जमीन है ना, तो साइड वाले जो घर बनाए हुए तो वो जमीन जो हमारा जो उनको बोले हम लोग थोड़ा पक्का वो दीवार उठा दी, मट्टी काट काट के सारा डस्ट डस्ट के नीचे जाता है, बोलो जब बोलो करेंगे उन लोग आके करेंगे बताएंगे करेंगे, इसीलिए तरह आज 6 महीने से इसी तरह डालते हैं। अब जब बीच में हम लोग अपना लेबर लोग को बुला के ये देखिए सारा ये देखिए ये देख सब जाता है नीचे डस्ट डस्ट के, क्या बोलेंगे बताइए, ये आज हम लोग को पता तक नहीं, कानू कान बताया भी नहीं कि आज उन लोग आएंगे नापने के लिए देखने के लिए, ना ये बच्चा नहीं रहता, वो बड़ा छोटा बच्चा नहीं रहता, तो हम अकेली क्या करती। देखिए टीटीसी ऑफिस की टीम जो यहाँ पर आई थी वो लोग आखिर आए थे क्या करने के लिए? हाँ डिमार्केशन करने आए, हम लोग का सारा डिमार्केशन करके हाँ सब करके देख के गए सब, तो इनको जब हम लोग बताए कि देखो मट्टी डसता है थोड़ा करो, हम लोग अभी नहीं, हम तो बोल दिए हैं उधर बता दिया उन लोग आके करेंगे, अब जब इतना दिन हो गया अभी तक जब बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मेरा दूसरा लड़का वो अपना हम लोग अपना लेबर लेके आके करा के उसमें भी 4,000 रुपये हम लोग उसको दिए, उसमें से वो 1,000 रुपये हम लोग वो लेबर लोग को दिया, अभी बोलता हम 2,000 दिया तुम लोग, एक पैसा नहीं दिया, डस डस के जाता है, देखिए नीचे जा रहा है ऊपर तक था, ये फली पेड़ का ऊपर तक था हाँ। मतलब सर आपका ये कहना है कि आपका घर जो है यहाँ पर डस रहे है, वो डस रहा है इसलिए डस रहा है कि हम लोग का जो जमीन जो है सीधा जा रहा है, देखिए अब सीधा आप दिखा सकते हैं आप लोग सीधा जा रहा है, वो हम लोग यहाँ पर में कोई था नहीं, तो वो अंदर में रह रहे क्या पीछे से अंदर में, हम लोग घर में कोई रहता नहीं, अम्मा बीमार है, वो अंदर से पातू मार मार के पूरा देखिए देखो। जब ये जब जो है इस काम की शुरुआत हुई तो आपने ली गली कई कंप्लेन आपने बिल्कुल किया था तहसीलदार ऑफिस में किया था, बताया तो उनको, तो बोले कि ठीक है काम चलने दीजिए हम लोग आके देखेंगे, आके देखे भी, देखने के बाद में उनका पास में कोई ऑब्जेक्शन कोई लोग करेंगे डिमार्केशन करेंगे, डिमार्केशन जो है पिछला कोरोना आ गया उसके बाद में थोड़ा दिन रुक गया, उसके बाद में फिर काम एकदम ठप हो गया, अभी पूछने से बोलने से बोले कि हम लोग आपके आपको डिमार्केशन करके देंगे, और आज जो है बिना बताए आपके लैंड पे आके बिना बताए डिमार्केशन का ये रूल होता है, आपके लैंड पे आए वो लोग हाँ बिल्कुल डिमार्केशन मान लीजिए ना, आपको ये बगल में देखिए ये जमीन उनका ये हमारा जमीन है, अभी आप ये डिमार्केशन करेगा तो यह जमीन हमारा, तो हमारा को तो नोटिस देने हैं, हमको तो बिना नोटिस दिए आप कैसे उनको कर सकते हैं, देखिए जमीन का एक 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 मीटर भी फर्क नहीं है, अब देखिए हम लोग का जमीन यहाँ तक है वो 1 मीटर सेटबैक छोड़ना है, वो सेटबैक भी नहीं छोड़ा है, ऐसी हम लोग इकट्ठा कर करके हम लोग पूरा रेलिंग गिरा के चले गए, देखिए पूरा वो डैमेज कर दिया, और देखिए हम लोग ये पानी टैंक है वो सेफ्टी टैंक है यहाँ तक डैमेज हो गया है यहाँ तक, ये देखिए आप ये देखिए पूरा फट के जा रहा है, पूरा फट के जा रहा है बोला, तो आप स्टेशन से आप कुछ गुहार लगाएंगे? आप गुहार लगाने क्या, हम वही बोलने मांगता है कि आप लोग जो भी काम करता है ना तो रूल में अगर आप लोग काम करता है तो अगल बगल वाले लोगों को आप पूरा इन्फॉर्म कर लिए, बिना इन्फॉर्मेशन का आप लोग किसी के घर में आप एंटर नहीं कर सकते, किसी के जमीन में आप एंटर नहीं कर सकते, अभी आप बोल रहे हैं कि उन लोग बुलाया उनका जमीन को कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता है, उनका जमीन में करने से भी आपको बगल वालों को आपको खबर देना पड़ता है कि आपको घर में हम लोग डिमार्केशन बगल वालों का डिमार्केशन कर आप थोड़ा प्रेजेंट रहिए, अभी आप देखिए हम लोग को कितना बड़ा डैमेज हुआ, ये अभी लैंड जो है आसपास है बस अभी जो डिमार्केशन होएगा इसके बाद में 2 साल तक वहाँ से कोई आने वाला नहीं है,
आप नोटिस देते रहो, पेपर देते रहो, आगे पीछे घूमते रहो, लोग कोई नहीं आएगा। अभी आप देखिए आज लोग डिमार्केशन करके जाए, कल लोग अभी देखो आप छोटा सा घर बना के आगे फिर और बढ़ा दिए, आगे फिर और लोग बढ़ाते रहते। हम लोग जमीन कब्जा करके बनाने से, हम लोग को जमीन थोड़ा सा जमीन चाहिए नहीं है, हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग तुम ये पीछे जो डैमेज करके रखा हुआ इस पर रिटर्निंग वाल खड़ा करके हम लोग का जमीन को सेव, बाकी जो बचा हुआ जमीन को सेव कर दो। हम लोग को तुम लोग जमीन, तुम लोग इतना जमीन हम लोग रखा हुआ, हम लोग को तुम लोग का जमीन की जरूरत नहीं है, तुम लोग जमीन रख लो, हम लोग को बस कल ही इतना रिटर्निंग वाल जो हम लोग मट्टी डस्क जा रहा है, हम लोग सेफ्टी टैंक देखिए, हम लोग घर में कोई रहता नहीं है, हम बाहर रहता छोटा भाई हडबे में कोई ये देखो सेफ्टी टैंक फट जाएगा, हम घर में भाभी घर में अकेले कैसे संभालेंगे, घर में कोई इंसिडेंट हो जाएगा आप खुद देखिए ये डस्क जा रहा है, मैं उसको मत पकड़ो, ये देखिए आप खुद दिखाइए इसको, दिखाइए कितना डस्क जा रहा है, कितना डस्क जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं डिमार्केशन किया वाला रिपोर्ट हम लोग का 2019 में डिमार्केशन करने के बाद में रिपोर्ट दिया गया है, ये देखिए पूरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरा रिपोर्ट के साथ में देख लिया आपने हम लोग का जब डिमार्केशन हुआ था तो हम लोग ने अगल बगल के जितने भी घर वाले लोग हैं सबको नोटिस दिया था, आप देख सकते हैं नोटिस, शमशाद बेगम बगल वाला उनका देख सकते हैं, उनका सबको नोटिस हम लोगों ने सर्व किया था, अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको नोटिस सर्व किया, लेकिन जब आज इनको जब डिमार्केशन करना है बिना नोटिस सर्व किया, हम लोग बिना नोटिस दिए चुप से कर रहे हैं, आप लोगों ने हमारा ज़मीन का कंडीशन देख लिया है, घर में मेरी माँ बूढ़ी माँ अकेला रहती है और घर में कोई भी इंसिडेंस हो सकता है कि जब वो मट्टी ढस रहा है घर का शेड गिर सकता है, सेफ्टी टैंक का डैमेज हो सकता है, पानी टैंक हम लोग बोल बोल के थक गए हैं, पिछला 1.5-2 साल हो गया हमको कंटिन्यू बोल रहा है कि आप लोग बनाइए आप लोग करिए, हम लोग बोल के रखा है म्यूनसिपल में बोल दिया है, म्यूनसिपल वाला काउंसिलर आके देख के गया है बनाएंगे बनाएंगे करके, अभी ये लोग का प्लान क्या है बगल में जो हमारा जो ज़मीन जो लोग जो कब्जा कर रखा है वो पीछे में छोटा सा रूम और निकाल रहे हैं जो कि हमारा ज़मीन है, जो हमारा ज़मीन है और वो ज़मीन का ऑर्डर कॉपी ये है देख लीजिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है, ये एक्सेस लैंड का कॉपी है, अब आपको दिखा रहा है देखिए ये एक्सेस लैंड हम लोग को अलॉटमेंट हुआ है 210 स्क्वायर मीटर एक्सेस लैंड हम लोग को इशू हुआ है, ये देखिए पीछे में, और ये जो है उनका बगल वालों का घर है शमशाद बेगम लुंगा जो, उनको जो है 40 मीटर दिया हुआ है, हम लोग को 210 स्क्वायर मीटर ज़मीन दिया हुआ है, वो 40 मीटर से ज़्यादा वो लोग कब्जा कर लिया है, नहीं करके 150 के ऊपर में लोगों का घर बन गया है अभी तक, उसके बाद में भी और भी हमारा एक्सेस लैंड के ऊपर में कब्जा करना ढसाना, हम लोग घर में नहीं रहने से एक एक दो दो पाथू मार मार के गड्ढा करता ताकि वो नीचे से गड्ढा हो जाए तो उनको और ज़मीन मिल जाए, जबकि आपको मालूम है रूल के हिसाब से बोलता है कि आप किसी घर बनाएगा तो आपको सेटबैक छोड़ना है 1 मीटर, वहाँ कोई सेटबैक नहीं छोड़ा, आप देख सकते हैं हमारा ज़मीन का काट करके उसके ऊपर बनाए, ये सब आप लोगों को दिखा दीजिए, हमारा ज़मीन का पट्टा भी है आप अच्छा क्लियर कट देख सकते हैं, ज़मीन का पट्टा मेरी माँ का नाम में है, पूरा जितना बड़ा ज़मीन जितना बड़ा घर है सब हमारा मामा का नाम है, माँ के नाम में सब कुछ है। अभी बताइए आप लोग ये कहाँ का फेयर है, कहाँ फेयर हुआ है, हम लोग करने टाइम में हम लोग अगल बगल सबको बताया जाता है लेकिन जब उनका जब टाइम आता है तो चुप से करके अपने अंदर में घेराबंदी करना ये करना ये गलत चीज़ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से DC मैडम से हमारा जितना तहसीलदार सर है इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस मैटर को आप ध्यान से देखिए, आप आके एक बार आके आप कम से कम राउंड मारिए, हम लोग 2 बार लेटर दे चुके हैं, लेटर का कॉपी भी हम आप शाम को और एक बार रिव्यू करवाऊंगा आप लोगों को, आप एक बार प्लीज़ आके हमारे ज़मीन के बारे में कुछ जरा देखिए, मेरी बूढ़ी माँ को देखिए घर में अकेला रहती है, अगर कुछ इंसिडेंट हो गया लैंडस्लाइडिंग हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे उस टाइम में घर में कोई रहता नहीं तो कौन क्या देखेगा, बूढ़ी माँ चल नहीं सकती उनका इंसिडेंट हुआ है बेड में पड़ रहती है, तो इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ आप लोग एक मैटर को थोड़ा सीरियसली लीजिए और इनको ऊपर में एक्शन लीजिए, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।